हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सम इफ़ और काउंट इफ़, ये दो फॉर्मूला के बारे में, उसको आप यूज कैसे करेंगे। ठीक है, यानी सम तो यूज किए हैं आप, काउंट भी यूज किए होंगे। ये सिंपल तरीका है, कोई भी सेल को या टेबल को या फिर रो कॉलम जो भी हो उसको आप सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन सम इफ़ और काउंट इफ़ का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई डेटा आपके पास है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक सैंपल ले लिया हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक स्मॉल डेटा है जो कि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर नाम है प्रोडक्ट का, इसमें कि कॉपी है, कंप्यूटर है, पेन है। ठीक है, तीन टाइप का कैटेगरी है। मंथ यहाँ पर है जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, और यहाँ पर उसका इनकम मैं यहाँ पर शो किया हूँ। ठीक है, और जैसे कि मुझे यहाँ पर सिर्फ आपको मालिक को कंपनी में कोई आपका बॉस बोला कि सिर्फ मुझे जो है पेन जो है प्रोडक्ट, सिर्फ मुझे पेन का सम चाहिए। ठीक है, आप जनरली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का सम कर लेते हैं डायरेक्टली, तो कितना आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर बॉस बोल दे आपका मुझे सिर्फ पेन का चाहिए, तब तो आपका टेंशन बढ़ जाएगा। तब क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप वही चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं कि आप सिर्फ इस कॉलम से पेन का सम निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, दूसरा क्या है, सम ऑफ जनवरी, यानी कि सेम चीज़ आपको बोल देगा कि आपको सिर्फ जनवरी मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना इनकम हुआ है, सिर्फ आपको वो बताना है। तो आप वो भी आसानी से निकाल सकते हैं सम इफ फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये रहा दो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बताऊंगा आपको कि सम में कि अगर कंपनी को इनकम जो हुआ है तो 4,000 से अधिक, मान लीजिए कितना इनकम हुआ है, सिर्फ वो मुझे सम करना है, तो वो बताएंगे। इस तरह से आप अपना तरफ से और कुछ भी आप सम इफ में निकाल सकते हैं, मैं आपको सारा एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं काउंट पे। तो काउंट में जैसे कि आपको पता करना है, अभी तक तो था कि आप सिर्फ पेन का को सम करना है, लेकिन पेन का कितना यहाँ पर प्रोडक्ट है उसको काउंट करना है, वो भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अभी हमने सम किया था कि 4,000 से अधिक का कितना है, लेकिन मुझे क्या काउंट करना है कि 4,000 से अधिक का कितना इनकम, सिर्फ काउंट करना है, वो भी कर सकते हैं आप काउंट इफ फॉर्मूला से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक करके, इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करते हैं सम ऑफ पेन, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें से जो पेन कैटेगरी है मुझे सिर्फ उसका सम चाहिए कि कितना इनकम हुआ है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू सम इफ, उसके बाद आपको करना है ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको लेना है डेटा कौन वाला, जहां से आपको उठाना है, मतलब आपको पेन का लेना है, तो पेन वाला भी, यानी कि वहां पर जितना प्रोडक्ट है आपको सारा सेलेक्ट करना है, उसके बाद लगाना है कॉमा, जैसे कि लगाते हैं जनरली। उसके बाद आपको क्या चाहिए, यानी कि सिर्फ हमको पेन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कॉपी चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो मुझे चाहिए पेन का, तो यहाँ पर पहले लगाना है डबल कोट, उसके बाद लिखना है पेन, फिर इसको डबल कोट से बंद करेंगे, फिर देंगे कॉमा, उसके बाद क्या करना है हमको पेन का, हमको उसको चाहिए इनकम कितना हुआ है, हमको वो वाला पूरा जो कॉलम है पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा वहां, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पेन का उठा लेगा। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर उसका अमाउंट जोड़ के बता दिया है कि आपको जो सिर्फ पेन का जो प्रोडक्ट है, सिर्फ पेन से आपको इतना इनकम हुआ है। आप यहाँ पर, इसलिए मैंने स्मॉल लिया है डेटा ताकि आपको दिखा सकूँ, आप यहाँ पर उसको ऐड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेन का, देखिए यहाँ पर 4, 2, 6, 5, 11 और 7, 18 हज़ार। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए स्मॉल डेटा लिया है ताकि आप देख भी सकते हैं। बाकी ये सब जितना डेटा बड़ा होगा उतना काम करने में मजा आएगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से एक बार जरूर इसको कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला है, आप लोग यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग जो है मैनुअली काम करते हैं इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता, जब इसको यूज कीजिएगा धीरे धीरे बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए पूरा एक शुरू किया हूँ वीडियो का, एक यहाँ पर शुरुआत किया हूं ताकि मैं रोजाना आप लोग को कुछ नया सिखा सकूं एक्सेल में, कंप्यूटर में। तो हमारे साथ फ्रेंड्स बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको देखते रहिए। ठीक है।
जैसे कि आप जान रहे हैं मैं रोजाना वीडियो अपलोड यहाँ पर कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं एक्सेल का, आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। उसका मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट जो है इस वीडियो पे नहीं आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया सम ऑफ पेन, सेम है मान लीजिए अब तो हो गया प्रोडक्ट, अब निकालना है आपको मंथ का, तो सेम कंडीशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर पेन था वहाँ पर मंथ कर दीजिए, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब क्या करना है आपको, इससे लेना है मंथ से, तो मंथ को यहाँ सेलेक्ट किए, कॉमा लगाएं, फिर हम डबल कोट दिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर जनवरी का JAN, उसके बाद ब्रैकेट सॉरी डबल कोट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या चाहिए हमको, जनवरी का इनकम चाहिए, सेलेक्ट किए इनकम वाला, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है 8,000, देख सकते हैं आप जनवरी का 3 4 7 1 8,000, ये 8,000 इसका इनकम हुआ है। इस तरह से आप आसानी से कोई भी डेटा को पर्टिकुलर उठा के आसानी से स्ट्रिक से जोड़ सकते हैं, आपको मैनुअली करने का जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ सीख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपका बॉस पूछा कि आपका इनकम जो भी हुआ है 4,000 से अधिक जितना भी इनकम हुआ है मुझे उसका सम चाहिए, ठीक है, क्या करेंगे आप? अब तो कर लेंगे मैनुअली क्योंकि आपको पता नहीं है। तो फ्रेंड देखिए क्या ट्रिक है, यहाँ पर करेंगे इक्वल टू सम इफ, यानी कि हमको जोड़ना है यदि ब्रैकेट ओपन, क्या जोड़ना है कि ये वाला कॉलम, क्योंकि हमको इसी से निकालना है, कॉमा, ये वाला कॉलम में फिर डबल कोट क्या करना है, ग्रेटर देन किससे, 4,000 से बड़ा हुआ डेटा, इसको डबल कोट से बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो क्या करना है फिर से आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर मार देना है। देखिए फ्रेंड्स 4,000 से जितने भी बड़ा है उसको जब सम कीजिएगा तो होता है 12,000। तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं, ये देखिए 4,000, ठीक है, प्लस सॉरी 4,000 से हम क्या दिए कंडीशन कि 4,000 से बड़ा, 4,000 ये नहीं क्योंकि लिखते हम इक्वल टू और यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, तब वो 4,000 को भी जोड़ता है, लेकिन हमने सिर्फ दिया है 4,000 से बड़ा, यानी कि 4,001 से काउंट करेगा वो, ये इसको काउंट नहीं करेगा। यहाँ देखिए दो है यहाँ पर, एक है 5,000 एक है 7,000, 7 5 12,000, ठीक है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कि इक्वल टू भी करके ग्रेटर देन एंड डालते हैं यहाँ पर इक्वल टू और मारते हैं इंटर। तो देखिए फ्रेंड्स 7 5 12 4 16,000 ये जोड़ लिया है। ये कितना आसानी से आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने आपको जो बेसिक है वो सिखा दिया, आप आसानी से इसमें कोई चीज भी, इसमें सम इफ सम काउंट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप 3 चीज सीख लिए, इसी तरह आप कर सकते हैं लेस देन कुछ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम काउंट वाले फॉर्मूला पे, हमको क्या है करना है कि अभी तक हमने इसको सम करके देखा, अलग अलग एग्जाम्पल देखे, अब करेंगे काउंट। अगर आपके बॉस ने पूछ दिया मुझे सिर्फ मतलब डेटा बड़ा है पूछ दिया, बताओ मुझे पेन कितना इसमें है प्रोडक्ट में, कितना बार ये आया है काउंट हुआ है, तो क्या करेंगे हम, देखिए काउंट पेन को करेंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, हमको क्या करना है काउंट इफ का कंडीशन लगाना है, उसके बाद क्या करना है हमको पेन का करना है, तो पेन वाला जो कॉलम पूरा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉमा और डबल कोट, उसके बाद किसका चाहिए मुझे काउंट इफ चाहिए पेन का, डबल कोट से बंद करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। देखिए फ्रेंड्स पेन का जो यहाँ पर सेल है वो 4 बार रिपीट हुआ है, देखिए गिन लीजिए आप 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से आप काउंट भी कर सकते हैं। सेम कंडीशन है कि 4,000 से अधिक जितना भी इनकम हुआ है उसका हमको काउंट करना है, ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमको ऐड पहले दिखा चुके हैं, हमको सिर्फ काउंट करना है। तो सेम लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, अब क्या करना है हमको इसी के निकालना है, तो ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट, क्या करना है हमको ग्रेटर देन 4,000 से जो बड़ा है वो करना है, उसके बाद डबल कोट से बंद किया। देखिए डबल कोट को आपको जो भी देना है कंडीशन वो डबल कोट के अंदर में रहेगा तभी वर्क करेगा, उसको तो ब्रैकेट क्लोज और इंटर मारेंगे। देखिए 4,000 से जो बड़ा है वो मात्र 2 ही है, क्योंकि ये 5,000 और 7,000, ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू दीजिएगा
वो भी काउंट कर लेगा। फ्रेंड्स कितनी आसानी से आपने यहाँ पर सम इफ और सम इफ और काउंट इफ का जो यूज है कितने आसान तरीके से सीख लिया, और कहाँ यूज करना है कैसे करना है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किए हैं ट्रिक्स के नॉलेज की, आपको देखिए बहुत काम आएगा क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऑफिस में ये सब बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारा ये जो नया मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए एक्सेल का ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए आगे बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।